सूप कैसे है, क्या रेट का है? 140। तो देखिए सूप आप लोग 140 रुपये, कहाँ से लाए हैं? खुद से बनाए हैं अपने हाथ से। तो देख सकते गाइस खुद से बनाए हुए हैं, देखिए सूप वगैरह आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस देखिए इधर मुर्गी वगैरह काफ़ी देखने को मिल रहा है, चलिए पूछते हैं रेट वगैरह क्या रेट का है इधर। ए दादू मुर्गी कैसे दे रहे हैं, क्या रेट की मुर्गी है ये? 450 के जी। तो देखिए 450 रुपये के जी बोलते हैं, इसका क्या रेट लगाए हैं? 900 रुपये दाम। बाप, कितना के जी का है? 2 के जी। 5 फुट है। तो गाइस देखिए 2 के जी का मुर्गा है, इसका रेट बोलते हैं 900 रुपये बोलते हैं गाइस। कहाँ से लाए हैं? गाँव घर से। गाँव नहीं, एरिया का क्या नाम है? देखिए अगल बगल से आए हुए हैं इधर मुर्गी बेचने के लिए। कैसे कैसे दे रहे हैं मुर्गी, कैसे कैसे दे रहे हैं? 450। देखिए मुर्गी दे रहे हैं आप लोग को 450 रुपये, देख सकते हैं कुछ इस तरह से देसी मुर्गी मिल जाएंगे। आइए कभी और मांझी बाजार दादू से खरीदने के लिए। क्या नाम है आपका? देखिए नाम सुन लीजिए आपने, मेरा मैंने दिया गाइस, कुछ इस तरह से मुर्गी वगैरह मिल जाएंगे आप लोग को। देखिए मुर्गी वगैरह काफ़ी लेकर आए हुए इधर, देसी मुर्गी वगैरह मिल जाते हैं आप लोगों को, जो कि दादू लोग लेकर आए हुए गाइस देख सकते हैं। कैसे दे रहे हैं, कैसे के जी मुर्गी? कैसे के जी? 400। देखिए 400 रुपये के जी लेके आए हुए हैं, देखिए इधर मुर्गी वगैरह देख सकते हैं इधर रेट। चलिए ठीक है ठीक है, देखिए बड़ा बड़ा ये सब आपका है। देखिए काफ़ी मुर्गी वगैरह लेके आए हुए हैं गाइस देख सकते हैं। अंडा कैसे रहे भाई? अंडा 15 पीस है। देसी अंडा? देसी अंडा है 15 पीस है। तो गाइस देखिए देसी अंडा देखने को मिलेगा और मांझी बाजार में जी, 15 रुपीस बोलते हैं देसी अंडा है। आइए कभी और मांझी बाजार, देसी अंडा आप लोग को मिल जाएंगे गाइस। क्या रेट का मुर्गा है, क्या दाम लगाए मुर्गा का? हाँ 700 बोलते हैं। मोराभिन नहीं है? तो देखिए 700 रुपये मुर्गा का रेट बोलते हैं गाइस। हाँ, इसका 700 रेट है, अगर आपको पसंद पड़ता है तो खरीद लीजिए, और नहीं पसंद पड़ता है तो जबरदस्ती की बात नहीं है। जबरदस्ती बात नहीं है, जबरदस्ती का कैसे बात रहेगा, हम लोग का घर का सामान है बैगन। तो गाइस देखिए इस साइड आप लोग और मांझी बाजार में मतलब दारू हड़िया और मतलब चिकन वगैरह भुंजाता है देख सकते हैं। चलिए पूछते हैं चिकन वगैरह भुजाने का रेट क्या लेते हैं, और इधर दारू हड़िया आप लोग को मिलने का पीते हैं, काफ़ी लोग पीते हैं। चलिए भुजाने का क्या रेट लेते हैं दिखाते हैं हम लोग, और मतलब देखिए भुजने वगैरह चिकन भुजते हैं, चिकन नहीं भुजते हैं? देखिए इधर चिकन नहीं भुजते हैं बोलते, कढ़ाई तो चढ़ाएँ इधर। तो गाइस यहाँ देखने को मिलेगा चिकन वगैरह, कैसे दे रहे हैं, कैसे दो ना, कैसे दो ना चिकन, कैसे दे रहे हैं, कितने रुपये दे रहे हैं? देखिए गाइस 20-30-40-50 रुपये दे रहे हैं देख सकते हैं गाइस। इधर आप लोग चिकन वगैरह दे रहे हैं, देखिए इधर आप लोग को मछली कैसे, मछली मछली कैसे, मछली 20 रुपये पीस। तो गाइस देखिए मछली 20 रुपये। हेलो गाइस, मेरा नाम निशांत है, आप देख रहे हैं टीके। तो गाइस आज मैं आपको ले चल रहा हूँ और मांझी बाजार, और ये बाजार दरअसल रांची से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे यह बाजार स्थित है गाइस। तो यह बाजार विलेज ट्रेवल मार्केट है गाइस, जहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को देसी बत्तख देसी चिकन देखने को मिल जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को घुमाने ले चल रहा हूँ और मांझी बाजार, और क्या कुछ खास मिलने वाला है इस बाजार में मैं बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से गाइस। और आप नए हैं तो प्लीज़ गाइस अपने छोटे भाई को सब्सक्राइब जरूर करें, तो मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो वगैरह दे पाऊँगा। प्लीज़ गाइस सपोर्ट जरूर करें अपने छोटे भाई को, क्या ही बोल सकते हैं गाइस, पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए गाइस हर कुछ काम करने पड़ते हैं, हर कोई काम कर रहा है गाइस पैसा की वजह से, क्योंकि पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है गाइस। पैसा की वजह से इंसान जिंदा है, अगर पैसा नहीं होगा तो इंसान का अहमियत नहीं रहेगा गाइस, समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। तो चलिए आप लोग बाज़ार घुमाते हैं और मांझी बाज़ार में क्या कुछ खास मिल रहा है बताने की कोशिश करते हैं, चलिए बाज़ार घूमें। तो गाइस फाइनली आज हम आए हुए हैं और मांझी बाज़ार, तो देखिए बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है बाज़ार की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए बाज़ार आप लोग को ले चलते हैं, अंदर घुमाते हैं। तो गाइस देखिए बाज़ार की शुरुआत हो चुकी है, आज हम आए हुए हैं और मांझी बाज़ार, तो बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है बाज़ार काफ़ी भीड़ भाड़ है, आज हम काफ़ी लेट में आए हुए हैं देख सकते हैं बाज़ार। चलिए वाले बाज़ार घुमाते हैं, ये बाज़ार में क्या कुछ खास मिलता है दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए बाज़ार काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो गाइस देखिए बाज़ार में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए खरीदारी करने के लिए, आज हम काफ़ी लेट में आए हुए हैं और बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है। देखिए बोधी कैसे, बोधी? तो गाइस देखिए बोधी चल रहा है 20 रुपया। इधर देखिए बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है, बाज़ार में काफ़ी भीड़ भाड़ हो चुका है। चलिए इस बाज़ार में सब्जी वगैरह का रेट जानने की कोशिश करेंगे, क्या रेट है सब्जी वगैरह का। तो काफ़ी लोग आए हुए खरीदारी करने के लिए देख सकते हैं, और मांझी साइड के लोग और कुछ इस तरह से इधर सब्जी का खरीद बिक्री चल रहा है देख सकते हैं। इधर काफ़ी नानी लोग लेकर आए हुए हैं इधर सब्जी वगैरह देख सकते हैं। इधर देखिए
गाइस देखिए मूली इधर चल रहा है 30 रुपए चल रहा है गाइस, देख सकते हैं इधर, देखिए इधर बाजार है। जस्ट हम आज आए हुए और मांझी बाजार, सब्जी इधर का रेट काफ़ी सस्ता है गाइस, देख सकते हैं इधर। तो गाइस बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ हो चुका है, देखिए बाजार में करेल वगैरह देखने को मिल रहा है, बाजार कुछ इस तरह से लगता है गाइस, बाजार में काफ़ी कुछ मिल जाए। मिर्ची कैसे बुआ? देखिए मिर्चा का रेट काफ़ी हाई हो चुका है, 40 रुपया पौवा बोलता है, देख सकते हैं बाजार कुछ इस तरह से लगता है। टमाटर कैसे? टमाटर देखिए गाइस टमाटर का रेट इधर 70 रुपये चल रहा है, तो इधर आप लोग राशन वगैरह देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो बाजार में तो काफ़ी भीड़ है गाइस, देख सकते बाजार में काफ़ी भीड़ है, तो बाजार में और मांझी बाजार में जस्ट आज हम आए हुए हैं। तो गाइस बाजार में बैग वगैरह भी देखने को मिल गया, और मांझी बाजार में देखिए बैग मार्केट कुछ इस तरह से लगता है, बैग वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, बैग मार्केट देख सकते हैं। तो गाइस देखिए और मांझी बाजार का बैग मार्केट कुछ इस तरह से लगता है, बैग मार्केट क्या ही बोल जाएगा। तो गाइस देखिए मनिहारी के शॉप यहाँ चूड़ी वगैरह मिल जाएंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो ले सकते हैं, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, देख सकते हैं चूड़ी वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, और मांझी बाजार में चूड़ी वगैरह देखने को मिल जाती है, इस साइड देख सकते हैं कुछ इस। तो गाइस देखिए खरीदारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हुए खरीदारी करने के, देख सकते हैं काफ़ी लोग खरीदारी कर रहे हैं। देखिए मिल गया बाजार का झाड़ू मार्केट, पूरी तरह से झाड़ू मार्केट लग रहा है। झाड़ू कैसे? झाड़ू झाड़ू कैसे? 50 का है, 60 का। तो देखिए झाड़ू का रेट और मांझी बाजार में चल रहा है, 50 रुपये रेट चल रहा है गाइस, देख सकते हैं काफ़ी लोग खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं, देख सकते हैं कुछ इसी तरह से लग रहा है मांझी मार्केट का झाड़ू मार्केट। ये और पूछते हैं झाड़ू मार्केट क्या क्या रेट चल रहा है इधर, फिर रेट वगैरह। झाड़ू कैसे भाई? झाड़ू का रेट झाड़ू 50 का है, 60 का है। तो गाइस देखिए झाड़ू का रेट मिनिमम है 50 रुपये का है, 60 का है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से मार्केट लगता है गाइस, काफ़ी भीड़ भाड़ है मार्केट में और मांझी मार्केट में। तो गाइस देखिए मुर्गी वगैरह देखने को मिल गया, जरा मुर्गे कैसे कैसे दे रहे हैं, कैसे कैसे दे रहे हैं मुर्गे? अरे 400 रुपये बड़ा मुर्गी मिलेगा। केजी में नहीं, पीस में दे रहे हैं? पीस में भी है। केजी में किस में? पीस में भी है, केजी में भी कहोगे तो देंगे। तो देखिए गाइस केजी में मिल रहा है, पीस में मिल रहा है, देखिए कितने बोल रही है ये? बड़ा वाला, बड़ा वाला का नहीं है, 700-800 बोलता है। बाप रे बाप। तो देखिए बड़ा लोग रेट बोल रहे हैं आप लोग, 700-800 बोल रहे हैं गाइस। और मांझी बाजार का मुर्गी मार्केट देख सकते हैं गाइस, कैसे कैसे रखे जी? कैसे केजी है? 500-450 देख सकते गाइस, केजी 550 रुपये, 550 देसी वाला, 500 रुपये। कहाँ से लाएँ दादू आप? हम लोग बाजार में खरीदते हैं, बाजार में खरीदते हैं। ये बाजार कब तक लगता है? और मांझी बाजार आप कितना दिन से लग रहे हैं? किस दिन लगता है? किस दिन लगता है? मंगल और शुक्रवार को लगता है, ठीक है। तो आइए गाइस कभी दादू से खरीदने वगैरह, मुर्गी वगैरह देख सकते हैं कुछ इस तरह से लेकर आए हुए मुर्गी वगैरह, काफ़ी बड़ा है गाइस, इधर सूप वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। सूप कैसे रहे नानी? टोकरी वगैरह टोकरी कैसे रही? टोकरी सब भी हाँ ले बो, बताए तब ना दाम, बताए तब ना दाम, 130 रुपये सस्ता। देखिए गाइस इधर बांस वगैरह का मतलब बनाया हुआ सामान वगैरह मिल रहा है, काफ़ी लोग लेकर आए हुए बेचने के लिए, इधर देखते हैं काफ़ी बड़ा मार्केट है गाइस, क्या भी बोला जाए। जो कि देखिए टोकरी का रेट बोलते हैं 130 रुपये बोलते हैं, काफ़ी सस्ता रेट है इधर आप लोग का, रांची के मुकाबले तो काफ़ी सस्ता इधर रेट देखते हैं। सूप मार्केट चलिए घुसते हैं और आप लोग बताने की कोशिश करते हैं सूप वगैरह का रेट क्या है इधर, जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बांस के आइटम बनाए गए हैं, काफ़ी लोग खरीदने के लिए आए हुए हैं, देख सकते हैं। 50 का रेट है झाड़ू का? 50 का है। दादू का रेट झाड़ू का? 50 का। देखिए 50 का बोल रहे थे झाड़ू वगैरह आप लोग मिल जाएंगे, काफ़ी बड़ा मार्केट है सूप वगैरह, काफ़ी लोग लेके आए हुए हैं इधर, काफ़ी खरीदारी चल रहा है। चलिए अंदर से ले चलते हैं हम लोग। तो गाइस इधर सूप वगैरह देखने को मिल जाते हैं, इधर सूप सूप कैसे रहे? सूप हाँ 150 रुपया। तो गाइस देखिए सूप का दाम है 150 रुपया। कौन सा बांस का है? भिंगा क्या है? पहाड़ी बांस का बोलता है। तो गाइस देखिए पहाड़ी बांस का सूप बोलते हैं 150 रुपया। तो गाइस देखिए 150 रुपये बोल रहे हैं इधर, देख सकते हैं रेट क्या ही बोले, रेट जेन्युइन रेट है। कम हो जाएगा रेट? कम होगा कि नहीं होगा रेट? हाँ हो तो अभी तो नहीं ले पाओ, पूछा ही हूँ। तो गाइस देखिए सूप मार्केट काफ़ी बड़ा लगा हुआ, काफ़ी लोग लेके आए हुए हैं इधर सूप वगैरह, नानी लोग लेके आए हुए हैं बेचने के लिए।
मतलब बांस के बनाया हुआ सामान आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए, देख सकते हैं इस तरह से लेकर आए हुए बाजार हाट में कई बहुत मिल जाएगा। इस रोजगार करने के लिए लोग लेके आते हैं, देख सकते हैं। सूप की तरह ना सूप कैसे है, क्या रेट का है? 140। तो देखिए सूप आप लोग 140 रुपये कहाँ से लाए हैं? 120 से। खुद से बनाए हैं अपने हाथ से? तो देख सकते हैं खुद से बनाए हुए हैं। देखिए सूप वगैरह आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ये और मांझी बाजार का आप लोग चप्पल मार्केट देख सकते हैं, कुछ काफ़ी बड़ा इधर का चप्पल मार्केट है गाइस, देख सकते हैं चप्पल वगैरह आप लोग देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से लगता है मार्केट, काफ़ी लोग आए हुए हैं इधर मार्केट में, काफ़ी बड़ा मार्केट इधर और मांझी साइड के लोग आते हैं यहाँ पर खरीदारी करने के। और ये मार्केट लगता है जस्ट आप लोग का मंगलवार और गुरुवार के दिन ये मार्केट लगता है गाइस, कई लोग बोले जाए। तो गाइस देखिए इधर मुर्गी वगैरह काफ़ी देखने को मिल रहा है, चलिए पूछते हैं रेट वगैरह क्या रेट का है इधर। ए दादू मुर्गी कैसे दे, क्या रेट की मुर्गी है ये? 450 रुपये। तो देखिए 450 रुपये के जी बोलते हैं, इसका क्या रेट लगाए? 900 रुपये दाम। बाप रे कितना के जी का है? 2 केजी। 5 फुटे। तो गाइस देखिए 2 केजी का मुर्गा है, इसका रेट बोलते हैं हम 900 रुपये बोलते हैं गाइस। कहाँ से लाए हैं? नहीं एरिया का क्या नाम है? देखिए अगल बगल से आए हुए हैं इधर मुर्गी बेचने के लिए, कैसे कैसे किस दे रहे हैं मुर्गी, कैसे कैसे दे रहे हैं? 450 रुपये। देखिए मुर्गी दे रहे हैं आप लोग को 450 रुपये, देख सकते हैं कुछ इस तरह से देसी मुर्गी मिल जाएंगे। आइए कभी और मांझी बाजार दादू से खरीदने के लिए। क्या नाम है आपका? देखिए नाम सुन लीजिए अपना, मेरा मैंने दिया गाइस, कुछ इधर से मुर्गी वगैरह मिल जाएंगे आप लोगों को। देखिए मुर्गी वगैरह काफ़ी लेके आए हुए, देखिए मुर्गी वगैरह मिल जाते हैं आप लोगों को, जो दादू लोग लेके आए हुए गाइस देख सकते हैं। कैसे दे रहे, कैसे केजी मुर्गी? कैसे केजी? 400। तो गाइस देखिए 400 रुपये केजी लेके आए हुए हैं, देखिए इधर मुर्गी वगैरह देख सकते हैं इधर रेट। चलिए ठीक है ठीक है, देखिए बड़ा बड़ा ये सब आपका है। देखिए काफ़ी मुर्गी वगैरह लेके आए हुए हैं गाइस, देख सकते हैं। क्या रेट का मुर्गा है, क्या दाम लगाए मुर्गा का? हाँ 700 बोलते हैं। मोराभिन नहीं है? तो देखिए 700 रुपये मुर्गा का रेट बोलते हैं गाइस। इधर अगर आपको पसंद पड़ता है तो खरीद लीजिए, और नहीं पसंद पड़ता है तो जबरदस्ती की बात नहीं है। जबरदस्ती बात नहीं है, जबरदस्ती का कैसे बात रहेगा, हम लोग का घर का सामान है। अरे ठीक ठीक देख रहे ना क्या क्या बोल रहे हैं लोग, जबरदस्ती की बात नहीं बोलते हैं। तो गाइस देखिए काफ़ी लोग लेकर आए हुए मुर्गी वगैरह और मांझी बाजार में खरीद मतलब बेचने के लिए, जो कि 450 रुपये के जी चल रहा है। आप लोग मोल भाव कर सकते हैं गाइस, देख सकते हैं। तो इस तरह से नानी लोग लेके आए हुए हैं, काफ़ी बड़ा मार्केट है गाइस मुर्गी का, इधर देख सकते हैं इधर आप लोग बाजार में। चलते चलते मेरे को देखने को मिल गया गाइस टंगला बसला वगैरह इधर इस मार्केट में मिल रहा है, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा टंगला बसला भी मिल रहा है और मांझी बाजार में गाइस देख सकते हैं। चलिए पूछते हैं क्या रेट का इधर, ये बसला क्या रेट का भैया? ये वाला दाओ दाओ 150। तो देखिए गाइस दाओ का रेट बोल रहे हैं हम लोग 150 रुपये बोल रहे हैं, चलो चिकन काटने में काफ़ी काम आता है, देख सकते हैं। आइए कभी और मांझी बाजार आप लोग खरीदने वगैरह के लिए, आप लोगों को मिल जाएंगे, दूर जाने की जरूरत नहीं आप लोगों को, कुट्टी वगैरह इधर आप लोग रांची में मिल जाएंगे और मांझी बाजार में देख सकते हैं कुछ इस तरह से लोगों का औजार वगैरह। तो गाइस आज हम आए हुए हैं और मांझी बाजार, तो देखिए और मांझी बाजार का कपड़ा मार्केट कुछ इस तरह से लगता है, कपड़ा मार्केट तो काफ़ी बड़ा है गाइस, ये बाजार काफ़ी बड़ा मार्केट है देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगता है मार्केट, काफ़ी लोग आए हुए खरीदारी करने के लिए। क्या आप कभी और मांझी बाजार आए हैं तो प्लीज़ गाइस जरूर कमेंट करें। चलिए आप लोग कपड़ा मार्केट घुमाते हैं और आप लोग कुछ दिखाते हैं कपड़ा मार्केट में। ठीक है आप लोग कपड़ा मार्केट मिल जाएगा और मांझी बाजार में, जहाँ लड़के और लड़कियों के दोनों के लिए कपड़ा वगैरह मिल जाएंगे आप लोग को, देख सकते हैं कुछ इस तरह से मार्केट लगता है। गाइस देखिए किस तरह खरीदारी चल रही है, काफ़ी लोग खरीदारी करने आए हुए हैं देख सकते हैं किस तरह से, बाजार में भी काफ़ी लोग खरीदने आते हैं गाइस साड़ी वगैरह देखिए। और भैया देख रहे हैं, देखिए चाय छोड़ के तो देख रहे कैमरा में, साड़ी वगैरह आप लोग देखने को मिल जाते हैं बाजार में, काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ी वगैरह काफ़ी लोग लेने आते हैं देखिए बाजार हाट में, लेने पसंद करते हैं गाइस देख सकते हैं किसी तरह से। तो बाजार बिल्कुल इस तरह से लगता है गाइस, बिल्कुल गाँव घर का बाजार है गाइस, देसी बाजार है, काफ़ी लोग आए हुए हैं साड़ी वगैरह खरीदने के लिए, देख सकते हैं किसी तरह से खरीदारी कर रहे हैं, देख सकते हैं किसी तरह से बाजार लगता है मार्केट लगता है, जहाँ साड़ी वगैरह देखने को मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे साड़ी वगैरह मेरे को देखने को मिल गया देख सकते हैं। तो गाइस बाज़ार काफ़ी बड़ा बाजार है गाइस, जहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को सब्जी हो गई, नॉन वेज का आइटम हो गया और सूप वगैरह हो गया और हर कुछ मिल जाएंगे आप लोगों, यहाँ पर मुर्गी वगैरह काफ़ी कम रेट में था। तो गाइस देखिए चूड़ी वगैरह आप लोग अगर शादीशुदा है तो चूड़ी वगैरह ले सकते हैं अपनी पत्नी के लिए, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो देखिए चूड़ी वगैरह आप लोग पहन रहे हैं देख सकते हैं, इस तरह से पहना रहे हैं देख सकते हैं चूड़ी वगैरह। जुड़ा सजनी
तो गाइस देखिए बाजार में चलते चलते हमें मिल गया साबुन वगैरह देखने को मिल गया, जो कि और मांझी बाजार में हमें डेसियम साबुन वगैरह देखने को मिल जाता है। देखिए साबुन वगैरह का साबुन है, कपड़ा धोने का है, वो डेसियम साबुन नहीं है, डेसियम नहीं है, ढीला साबुन है। तो गाइस चलिए आप लोग को ढीला साबुन दिखाते हैं, जो कि अभी भी मार्केट में देखने को मिल जाता है और मांझी बाजार में देखने को मिल गया। दिखाइए ढीला साबुन, दिखाओ। तो देखिए गाइस ढीला साबुन वगैरह देखने को मिल, कैसे दे रहे हैं ये 50 रुपये? तो देखिए 50 रुपये वालों को मिल जाएगा देखने के लिए। अभी भी ये साबुन का मार्केट में डिमांड है कि नहीं? देख रहे ना, बहुत डिमांड है बोल रहे हैं इधर, क्योंकि अभी भी मार्केट में मतलब काफ़ी लोग लेना पसंद करते हैं। तो गाइस काफ़ी लोग राशन वगैरह लेना पसंद करते हैं गांव घर के बाजार वगैरह से, देख सकते हैं कुछ इस तरह से काफ़ी लोग राशन वगैरह ले रहे हैं, देख सकते हैं तरह से, और मांझी बाजार का राशन मार्केट है गाइस। तो गाइस देखिए बाजार में चलते चलते दसवन वगैरह मिल गया, दसवन कैसे नानी, दसवन कैसे? तो देखिए दसवन दे रहे हैं 10 रुपये, पता पत्तों को 10 दे रहे। देखिए कहाँ से लाए हैं, कहाँ से लाए हैं? चुट्टू पालू से लाए हुए गाइस, देख सकते हैं ये लोग दसवन वगैरह पत्ता वगैरह बेचने आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर दसवन का रेट 10 रुपये चल रहा है, पत्ता का रेट भी अब लोग 10 रुपये चल रहा है, देख सकते हैं। टमाटर कैसे लाए, टमाटर तो गाइस देखिए टमाटर का रेट चल रहा है 80 रुपये रेट चल रहा है, पर बाजार में सब्जी मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है गाइस, सब्जी वगैरह काफ़ी सस्ता है मिल रहा है आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं गाइस। चलिए प्याज का रेट पूछते हैं, प्याज इधर बहुत देखने को मिल रहा है, प्याज कैसे दे रहे, प्याज प्याज कैसे 50 रुपये? देखिए गाइस प्याज का रेट चल रहा है 50 रुपये रेट चल रहा है, काफ़ी सस्ता रेट चल रहा है, रांची में सब रेट चल रहा है 70 रुपये रेट चल रहा है। बोधी कैसे दे रहे, बोधी मुठ्ठा? तो गाइस देखिए बोधी चल रहे हैं आप लोग 20 रुपये मुठ्ठा चल रहा है। तो गाइस देखिए बाजार में काफी भीड़ भाड़ है, काफी लोग आए हुए खरीदारी करने के लिए, और मांझी साइड के लोग इस बाजार में खरीदारी करने के लिए आए हुए, मछली हो गए, सब्जी हो गए, हर कुछ यहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे, देख सकते हैं। और सब्जियों का रेट काफ़ी कम है गाइस इस बाजार में, देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं और वहीं साइड के लोग खरीदारी करने के लिए, और बाज़ार बिल्कुल इस तरह से लगता है गाइस, देख सकते हैं। और बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है गाइस, बाज़ार काफ़ी भीड़ भाड़ है इस बाज़ार में, काफ़ी आवाज़ है गाइस, काफ़ी नॉइस है, देख सकते हैं तत्व वगैरह देखने को मिल जाते हैं। चलिए आप लोग ले चलते हैं नॉन वेज आइटम, यहाँ पर क्या रेट चल रहा है चिकन वगैरह का पूछते हैं, कैसे दे रहे चिकन? 220। तो गाइस देखिए और मांझी बाजार में चल रहा है चिकन का रेट 220 रुपये चल रहा है। देखिए आप लोग का चिकन मार्केट देखिए कुछ इस तरह से लगता है, और मांझी बाजार चिकन मार्केट देख सकते हैं। तो गाइस देखिए इस साइड आप लोग और मांझी बाजार में मतलब दारू हड़िया और मतलब चिकन वगैरह भुन जाता है, देख सकते हैं। चलिए पूछते हैं चिकन वगैरह भुजाने का रेट क्या लेते हैं, और इधर दारू हड़िया आप लोग को मिलने का पीते हैं, काफ़ी लोग पीते हैं। चलिए भुजाने का क्या रेट लेते हैं दिखाते हैं आप लोग, और मतलब देखिए भुजने वगैरह चिकन भूजते हैं, चिकन नहीं भूजते हैं, देखिए इधर चिकन नहीं भूजते हैं बोलते हैं, कढ़ाई तो है चढ़ाएँ इधर। तो गाइस देखिए और मांझी बाजार का दारू मार्केट गाइस कुछ इस तरह लगता है दारू मार्केट। तो गाइस यहाँ देखने को मिल गया चिकन वगैरह, कैसे दे रहे हैं, कैसे दोना, कैसे दोना चिकन, कैसे दे रहे हैं, कितने रुपये दे रहे हैं? देखिए गाइस 20-30-40-50 रुपये दे रहे हैं, देख सकते हैं गाइस इधर आप लोग चिकन वगैरह दे रहे हैं, देखते इधर आप लोगों को मछली कैसे, मछली मछली कैसे पीस, मछली 20 रुपये पीस, तो गाइस देखिए मछली पीस, चिकन कैसे दे रहे, चिकन चिकन कैसे दे रहे, चिकन 50। तो गाइस देखिए चिकन 50 रुपये दे रहे हैं, मछली वगैरह ख़त्म हो चुका है, मछली खत्म हो गया है, चिंगड़ी मछली, चिंगड़ी मछली कैसे दे रहे हैं, भी है 50 का प्लेट, बाप रे 10 रुपये प्लेट, देख सकते हैं गाइस इधर मछली वगैरह आप लोग मिल जाएंगे, दारू वगैरह दारू मार्केट है और मांझी बाजार का देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से लगता है, काफ़ी लोग आए हुए पीने के लिए मतलब इधर दारू वड़िया का सेवन करने आए, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। चिकन कैसे दे भाई, कैसे कैसे दोना, 50। तो देखिए चिकन इधर हर जगह आप लोग 50 रुपये दोनों मिल जाएंगे, मछली 20 रुपये, तो गाइस देखिए मछली आप लोग 20 रुपये मिल जाएंगे देखने कुछ इस तरह से। तो गाइस देखिए बाजार में अंडा वगैरह मिल गया, कैसे दे रहे हैं, कैसे पीस हैं, 10 रुपये पीस, देखिए अंडा आप लोगों को मिल जाएगा 10 रुपये पीस दे रहे हैं, देखिए और मांझी बाजार का अंडा कैसे दे रहे भाई, अंडा 15 रुपये पीस है, देसी अंडा, देसी अंडा है 15 रुपये पीस है। तो गाइस देखिए देसी अंडा देखने को मिल गया और मांझी बाजार में,
जी 15 रुपये से बोलते हैं देसी अंडा है। आइए कभी और मांझी बाजार, देसी अंडा आप लोग को मिल जाएंगे गाइस। कहाँ से है भैया? यूट्यूब का भैया, यूट्यूब। तो गाइस देखिए, और मांझी बाजार का मछली मार्केट कुछ इस तरह लगता है। मछली वगैरह आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से काफ़ी लोग आए हैं खरीदारी करने के लिए, देख सकते हैं इस तरह से। हाँ तो गाइस देखिए, और मांझी बाजार का मछली मार्केट कुछ इस तरह लगता है। काफ़ी लोग आए हुए खरीदारी करने के लिए। कहाँ मछली भैया? तिलपिया मछली है। कैसे दे रहे हैं ये? 180 है। और वो वाला रेहू? रेहू भी 180 है। देखिए गाइस, रेहू भी हम लोग 180 चल रहा है, और तिलपिया भी हम लोग 180 रुपये के जी चल रहा है। और कुछ इस तरह से मार्केट लगता है गाइस, और मांझी का मार्केट जहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए। तो गाइस फाइनली आप लोगों ने बाजार घूमा, और मांझी बाजार, ये बाजार काफ़ी अच्छा लगा गाइस, मेरे को दिल से अच्छा लगा गाइस ये बाजार। और यह बाजार गाइस आप लोगों का मंगलवार और शुक्रवार के दिन लगता है यह मार्केट और हाट, जो कि रांची से करीब आप लोग 20 किलोमीटर की दूरी पर यह बाजार स्थित है गाइस। और यह बाजार काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप लोगों को देसी मुर्गी देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोगों को चल रहा था रेट 450 रुपये के जी चल रहा था। और यहाँ पर सूप वगैरह का रेट आप लोगों को चल रहा था 150 रुपये के पीस चल रहा था गाइस। और यहाँ पर सब्जियों का रेट काफ़ी जेन्युइन था गाइस, काफ़ी कम रेट आप लोगों को दिया जा रहा था, और काफ़ी ताज़ा सब्जी वगैरह मिल रहा था यहाँ पर आप लोगों का। और मांझी बाज़ार में कभी आइए, और मांझी बाज़ार सब्जी वगैरह खरीदने और सूप वगैरह खरीदने, और मुर्गी वगैरह काफ़ी मिलते हैं यहाँ पर, देसी मुर्गी आप लोग मिल जाएंगे अगर खाने का मन है। और यहाँ पर चिकन वगैरह भुंजा रहा था, बट हमने नहीं खाया क्योंकि वैसे टेस्ट नहीं आ रहा था, फीलिंग नहीं आ रहा था, गांव वाला फीलिंग नहीं आ रहा था। कभी गांव चढ़ जाएंगे तो खाएंगे गाइस, देसी चिकन वगैरह भुंजाएंगे, मुर्गी वगैरह भुंजा के खाएंगे। यहाँ पर वैसे चिकन वगैरह भुंजाने का मन नहीं किया, खाने का मन नहीं किया, इसलिए हमने वहाँ चिकन वगैरह नहीं खाया। जस्ट अभी रुका डेम में आया हूँ, और आप लोग लिए प्लीज़ गाइस सपोर्ट जरूर करें अपने छोटे भाई को, तभी तो मैं आप लोग लिए वीडियो वगैरह बना पाऊँगा। प्लीज़ गाइस दिल से कह रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि पैसा कमाने के लिए मैं भी वीडियो वगैरह बनाता हूँ, इसलिए आप लोग से मैं इतना कहता हूँ कि सपोर्ट जरूर करें। बस इतना कि मैं अंत करता हूँ। जय झारखंड, जय जोहार। बस।